मनसंधारये धिया। सुखदेव जी कहते हैं जितासनो, पहले तो जितासन बनो। ये जितासन क्या है? जितासन का मतलब है आसन को जीत लो। कौन सा आसन? बोले बैठने का आसन। यही नहीं हो पाता, ये पहली सीढ़ी है। चार घंटे कथा में बैठना हो तो पांच बार इधर, पांच बार उधर, इधर उठो उधर जाओ, पानी पियो, टहलो घूमो। जब तक जीवन में जितासन व्यक्ति नहीं होगा तब तक कोई साधना उसकी सफल नहीं हो सकती। नोट कर लेना, जितासनो। सुखदेव जी कहते हैं पहले जितासन बनो। चार घंटे एक आसन से बैठ गए तो बैठ गए। जब जितासन होंगे तभी कोई साधना आपकी सफल हो। तो पहले तो जितासन हो जाए, बैठने का हमारा अभ्यास बन जाए। जितस्वासो, उसके बाद प्राणायाम करके अपने प्राणवायु पर, अपने श्वास पर नियंत्रण हम करना सीखें, प्राणायाम करें। और प्राणायाम का प्रयोजन है शरीर के अंदर चैतन्यता का आधान। आजकल तो प्राणायाम का मतलब लोग केवल इतना ही समझते हैं प्राणायाम करने से फेफड़ा ठीक रहेगा, बस वही करते रहो सवेरे शाम, वो सब ठीक है। लेकिन प्राणायाम का मतलब है अपने शरीर के अंदर चैतन्य का संचार, चैतन्य का विशुद्ध आधान। और जितासनो जितस्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः, और जितसंग बनो। जितसंग माने विषयों का जो संग है हमारे जीवन में, उन विषयों में जो हमारी आसक्ति है उससे हम मुक्त हों। संसार की जो भोग वस्तुएं हैं, उन भोग की वस्तुओं में जो हमारी प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति धीरे धीरे समाप्त तो हो, उनकी आवश्यकता हमारे जीवन में न रह जाए, हम उनके अधीन न रह जाए। और फिर चौथी सीढ़ी क्या है? कहते हैं जितेन्द्रियः, अपनी इंद्रियों को जीतो, अपने इंद्रियों को अपने वश में करो। और ये करने के बाद स्थूले भगवतो रूपे मनस्संधारये धिया। भगवान का जो स्थूल रूप है, स्थूल रूप माने विराट रूप, ये जो कुछ आपको दिख रहा है इसी को भगवान का स्वरूप समझकर अनुभव करते हुए मनस्संधारये धिया, बुद्धि में विचार करते हुए अपने मन को ये समझाओ कि ये जो कुछ दिख रहा है सब भगवान है। अब महाराज कैसे समझावें? ईंटा पत्थर तो दिखता है, भगवान कहाँ दिखते? कैसे माने कि ये सब कुछ जो है भगवान है? तो कहते हैं इसको समझाना पड़ेगा अपने मन को। तरीका बता रहे हैं कि ये जो अनंत ब्रह्मांड है, यत्रेतम दृश्यते विश्वम भूतम भव्यम भवच्चसत, जो कुछ ये दिख रहा है और जो आगे कल आपको दिखेगा वो सब क्या है? बोले सब भगवान का शरीर है। किस प्रकार से? बोले पाताल में तस्य ही पादमूलम, 14 भुवन में जो सबसे नीचे पाताल लोक है वो भगवान का चरण है। उसके ऊपर, पाताल के ऊपर जो रसातल है, पठन्ति पाष्णिर् प्रपदे रसातलम्, रसातल भगवान का घुटना और चरण के बीच का भाग है। महातलम विश्व सृजोत गुल्फौ, और महातल भगवान परमात्मा का गुल्फ है। तलातलम वही पुरुषस्य जंघे, और तलातल नाम का जो लोक है वो भगवान की जंघा है। इस प्रकार से नीचे के सातों लोक भगवान के कमर के नीचे विद्यमान है, और ऊपर के जो सात लोक हैं, भूलोक, भूलोक, स्वलोक, मरल महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ये भगवान के ऊपर के एक एक अंग में प्रतिष्ठित है। ये बड़े बड़े जो पर्वत पहाड़ हैं ये क्या हैं? सुखदेव जी कहते हैं ये भगवान विराट पुरुष परमात्मा के शरीर की हड्डियां हैं। जैसे हड्डी मजबूत होती है, ये विराट पुरुष परमात्मा के शरीर की हड्डियां हैं। और जो नदी, झरने, जलप्रपात हैं वो क्या है? बोले वो सब भगवान विराट पुरुष परमात्मा के शरीर की नाड़ियां हैं। जितने वृक्ष हैं, लता हैं, गुल्म हैं, ये क्या हैं? बोले विराट परमात्मा के शरीर की रोमावली है, रोम है।
और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण बोले ये सब भगवान के एक एक अंग में प्रतिष्ठित हैं। चंद्रमा भगवान का मन है, सूर्य भगवान का नेत्र है, भगवान की जो मुस्कुराहट है वही माया है। हासो जनोन्माद करी च माया दुरंत सर्गो यदपांग मोक्ष ब्रीडोत्तरोष्ठोधर एव लोभो। भगवान का जो ऊपर का ओंठ है वो क्या है, बोले वो लज्जा है। भगवान का जो नीचे का ओंठ है वही लोभ है। धर्मस्तनो, भगवान का जो बक्षस्थल है वही धर्म है, और भगवान की पीठ जो है वही अधर्म है। एक बात कहें, लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो दर्शन करने के बाद जब परिक्रमा करते हैं तो भगवान की पीठ के पास पीछे से जाके दीवाल को बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। नहीं करना चाहिए, क्यों? बोले वो अधर्म का स्वरूप है, वहाँ प्रणाम करने कोई विधि नहीं है। लेकिन देखा देखी देख देख करके लोग करते हैं, वहाँ जाके मत्था टेकेंगे, 10 बार मत्था रगड़ेंगे। बोले भगवान को सम्मुख से प्रणाम करो, सम्मुख भगवान का स्वरूप जो है वो धर्म है, और भगवान के पृष्ठभाग में अधर्म है। भगवान का वक्षस्थल ही धर्म है और भगवान का पृष्ठभाग ही अधर्म है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि धर्मस्तनो धर्म पथोस्य पृष्ठम कस्तस्य मेढ्रम वृषणौ च मित्रौ कुक्षिस समुद्रागिरयोस्ति संघाः। कस्तस्य मेढ्रम, प्रजापति ही भगवान के मेढ्र हैं, और मित्रा वरुण जो देवता हैं यही भगवान के वृषण हैं। भगवान की जो कुक्षी है वो समुद्र है, और जितने ये पर्वत हैं सब भगवान विराट परमात्मा के शरीर की हड्डियां। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि में भगवान का ही अनुभव करो, ये भगवान का स्थूल रूप है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में बताया। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, राम में सब जग जानी। सारे संसार को भगवान का रूप समझो, निज प्रभु में देख ही जगत के हिसन कर ही विरोध। सारा संसार ही भगवान का रूप, ये विराट की धारणा है, भगवान विराट पुरुष का चिंतन है।